हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आए हुए हैं पराशुरी के मंदिर पर, मैं जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। पराशुर ऋषि मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एकांत में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषि पराशर जी ने तपस्या की थी और उन्हीं को स्मरण करते हुए इस मंदिर का निर्माण मंडी के राजा वाणसेन द्वारा 14वीं-15वीं शताब्दी में किया गया था। यह मंदिर पैगोड़ा शैली में बना है। माना जाता है कि मंदिर में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यह मंदिर लकड़ियों से बनाया गया है और इन लकड़ियों पर बहुत सुंदर सुंदर आकृति बनाई हुई है। कहीं पर पेड़ पौधों की आकृति बनाई हुई है तो कहीं पर जानवरों की आकृति। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है आपको उन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी भी हो जाती है। ये आप देख सकते हो। इस मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। यह मंदिर आपको बहुत ही अलग तरीके से बना हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु भी आए होते हैं जो अपनी मनोकामना को भगवान के सामने रखते हैं। आपको सामने ही झील दिखाई देगी। ये बहुत खूबसूरत झील है। कहा जाता है कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तभी से यह झील बनी हुई है। 9100 की फीट की ऊंचाई पर इस झील में पानी कहाँ से आता है और यह पानी कहाँ को जाता है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस झील में आपको एक टापू दिखाई देगा जो यहाँ पर किसी दैवीय शक्ति होने का परिणाम देता है। इस झील की गहराई को आज तक कोई भी इंसान नाप नहीं पाया है। कहा जाता है कि यह टापू साल भर में घूमता रहता है। कभी यह टापू दक्षिण की दिशा पे होता है तो कभी उत्तर की दिशा में होता है। यहाँ पर साफ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आपको हर जगह डस्टबिन दिखाई देंगे और यहाँ पर बहुत ही साफ सुथरी जगह है। यहाँ पर हर कार्य देवता की स्वीकृति के द्वारा ही किया जाता है। देवता की अनुमति के बगैर यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता। जिस किसी ने भी इस झील को नापने की कोशिश की है उसको सिर्फ असफलता ही मिली है। यहाँ पर आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं। आपको यहाँ पर हर मौसम में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। ये वो टापू आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वही टापू है जो साल भर में इस झील में घूमता रहता है। कभी ये दक्षिण पे होता है तो कभी उत्तर में होता है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपका मन यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं और बहुत ही सुंदर जगह है।
सीक्रेट एप्पल लगे हुए हैं इनमें, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये आप देख सकते हो। तो आज की ब्लॉग में बस इतना ही, अब